उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान किसी न किसी बहाने सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में आए हैं पॉकेट मनी खर्च को लेकर। संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने जेब खर्च के नाम पर मार्च 2012 से मार्च 2016 तक 22,86,620 रुपए खर्च किए। बस 7,180 रुपए और खर्च कर लिए होते तो आजम पॉकेट मनी के चैंपियन होते, लेकिन फिलहाल उन्हें दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा है। बीजेपी ने कहा कि बुलंदशहर गैंगरेप जैसे संवेदनशील मामलों पर बेलगाम बयान देने वाले मंत्री आजम खान की हकीकत खुल गई है। पॉकेट मनी को लेकर जानकारी सामने आई विधानसभा में बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ राज्य सरकार कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मसलों पर फेल है, तो दूसरी तरफ उसके नेता सरकारी खजाने में करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जिस प्रकार से खर्चे किए गए हैं वो बहुत ज्यादा है और उतना खर्चा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा है खर्चा। मैंने तो इसलिए इस उद्देश्य से प्रश्न किया था कि इसका सरकार संज्ञान ले, मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले और इसको रेगुलेट करें, इसमें मितव्यता लाएं कि इस प्रकार से इतने खर्चे नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से मिले जवाब से साफ हुआ कि अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने मार्च 2012 से लेकर मार्च 2016 तक यानी 4 साल में जेब खर्च के तौर पर 8,70,72,474 रुपए खर्च किए। पॉकेट मनी खर्च करने के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर अरुण कोरी ने मार्च 2012 से मार्च 2016 तक पॉकेट मनी के रूप में 22,93,800 रुपए खर्च किए। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री कैलाश चौरसिया तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने पॉकेट खर्च के नाम पर 22,85,900 रुपए उड़ाए हैं। मैंने पार्टी के भी दौरे लगाए हैं, मैंने विभाग के भी दौरे लगाए हैं, इसलिए हमारे ज्यादा खर्चे आए हैं। और फिर विपक्ष तो कुछ ना कुछ आरोप लगाता ही है, इस पे भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिया। जो वेतन और भत्ते बनेंगे वो समय और महंगाई के हिसाब से सबके बदलते हैं, विधायक उसी का एक अंग है, विधायिका भी उसी की एक अंग है। जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है उस रेशियो में ये बढ़ोतरी कोई खास नहीं है और नाजायज खर्च नहीं हुआ है। ये विचार करने की बात है क्योंकि बहुत इस प्रदेश में, चाहे वो बुंदेलखंड हो या वो पूर्वांचल हो, हर जगह एक तो सबसे पहले इस वक्त बाढ़ से पूरा प्रदेश पीड़ित है, भुखमरी चारों तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। और एक एक पैसा जो प्रदेश सरकार के पास हो, चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र सरकार से आ रहा हो, उसका खर्च जो अनावश्यक खर्च है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। पॉकेट मनी खर्च करने में सबसे निचले पायदान पर हैं कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनका जेब खर्च शून्य है। लेकिन क्या आजम खान जैसे मंत्रियों का पॉकेट खर्च उनकी इस सोच को नहीं दर्शा रहा कि हम रहे आबाद भले ही जनता हो बर्बाद? ये सवाल शायद वाजिब भी है क्योंकि जिस गरीब सूबे में आज भी लाखों परिवार अपने महीने भर के खर्च के लिए महज 2,500 से 3,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते, उसी सूबे के मंत्री इतना ही पैसा चाय पानी पर खर्च कर रहे हैं। कैमरामैन मन्ना के साथ अभिषेक पांडे, APN लखनऊ।